अपने इन एट्रीब्यूट टेबल। इसके लिए सबसे पहले अपना NXT फाइल ओपन करेंगे जो हम लोगों ने लास्ट टाइम सेव किया था। NXT फाइल ओपन करने के बाद हम लोग टेबल ऑफ कंटेंट में जाएंगे। यहाँ पे हम लोग अभी एडिटिंग स्टार्ट नहीं करेंगे। जब भी टेबल में फील्ड ऐड करनी हो तो एडिटिंग टेबल बंद होनी चाहिए। कंटेंट में जाकर लेयर्स को सेलेक्ट करेंगे जो लेयर्स मैंने बनाई हुई है। जैसे मैंने विलेज पॉइंट बनाया है उस पर राइट क्लिक करेंगे और ओपन एट्रीब्यूट टेबल को सेलेक्ट करेंगे। आपके सामने टेबल ओपन हो जाएगा। उसके बाद टेबल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और ऐड फील्ड को सेलेक्ट कर लेंगे। ऐड फील्ड में जो भी आपको टेबल में फील्ड ऐड करानी है, जैसे हम लोग इसमें डिस्ट्रिक्ट ऐड करेंगे, फिर उसका टाइप लिखेंगे और उसके बाद ओके पे क्लिक करते हुए उसे क्लोज कर देंगे। सेम यही प्रोसेस हम लोग लाइन फीचर और पॉलीगन फीचर के लिए भी करेंगे। यहाँ भी टेबल ऑफ कंटेंट में जाकर ओपन एट्रीब्यूट टेबल पे क्लिक करेंगे और फिर टेबल ऑप्शन पे क्लिक करते हुए ऐड फील्ड करेंगे। नेम फिल कर लेंगे, लाइन फीचर या रेलवे लाइन टाइप के साथ टेक्स्ट देंगे और ओके कर लेंगे। सेम प्रोसीजर हम लोग पॉलीगन टेक्स्ट फीचर के साथ भी करेंगे। सेटलमेंट पे राइट क्लिक करते हुए ओपन एट्रीब्यूट टेबल पे क्लिक करेंगे। ऐड फील्ड को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट नेम ऐड करेंगे और टाइप में टेक्स्ट करते हुए इसे ओके कर लेंगे। ऐड फील्ड करने के बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे फील्ड को फिल करते हैं। लेयर में जाकर विलेज पॉइंट पे राइट क्लिक करेंगे, ओपन एट्रीब्यूट टेबल को सेलेक्ट करेंगे। इससे पहले एडिटर टूल में जाकर एडिटिंग स्टार्ट करनी होगी। फिर जो नई फील्ड ऐड किया था डिस्ट्रिक्ट, उस पे राइट क्लिक करके फील्ड कैलकुलेटर को सेलेक्ट कर लेंगे। फील्ड कैलकुलेटर में हमारा डिस्ट्रिक्ट नेम है हिसार, हम लोग हिसार टाइप कर लेंगे। यहाँ पे हमें ध्यान देना होगा कि जब भी डिस्ट्रिक्ट नेम फिल करेंगे सेमी कॉलन लगे होने चाहिए और ये तभी फिल करना है जब आपके सारे फील्ड सेम हो। जैसे हम लोग की डिस्ट्रिक्ट है उस पर जितनी भी हमने पॉज लगाई हुई है एक ही डिस्ट्रिक्ट के हैं, तो इसलिए मैं उसके नेम सेम कर रही हूँ। यहाँ पे थोड़ा वेट करना होगा जब तक ये फिल होते हैं। प्रोसेस हम लोग रेलवे लाइन के लिए भी करेंगे। अगर फील्ड ज्यादा हो तो एक बार में सेलेक्ट करके फिल कर सकते हैं। क्योंकि ये सिंगल था इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट टाइप करके फिल कर लेंगे। लाइन टाइप है मीटर गॉज, इसे फिल कर लेंगे। प्रोसेस सेटलमेंट के लिए भी करेंगे। आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप चाहें तो डायरेक्ट टेबल में भी क्लिक करके फिल कर सकते हैं या पूरी टेबल सेलेक्ट करके भी फिल कर सकते हैं। पार्टिकुलर फील्ड को भी सेलेक्ट करके आप टेबल में फील्ड को ऐड कर सकते हैं। अब आपकी फील्ड ऐड हो गई है।
उसके बाद एडिटर टूल पे जाकर सेव एडिट्स पे क्लिक करेंगे और अपनी MXT फाइल को सेव कर लेंगे। थैंक यू।